आज का वरदान रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मा भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। संपूर्ण देह को हल्का छोड़े, मांसपेशियों को एकदम हल्का, हर एक अंग को बिल्कुल लाइट, ढीला छोड़ दें और संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें मस्तक के मध्य अपने निज स्वरूप पर। मैं रहो इन पंच तत्वों की काया में, अपने अंतर की रूहानियत दिव्य गुण शक्तियां हर पल बिखेर रही हो, मेरी आंतरिक ऊर्जा ही संपूर्ण देह को नियंत्रित करती है। महसूस करें अंतरात्मा से निकलती शक्तियां जो रक्त की तरह पूरी देह में फैली हुई है, मैंने इस देह और दुनिया के सब बोझ, सारी जिम्मेवारियां अपने पारलौकिक पिता को सदा के लिए सौंप दी है। महसूस करें मन के हल्केपन को इस तन में। मैं निमित्त हूं ईश्वरीय सेवार्थ, मैंने अंतर की व्यर्थ भावनाएं सारे विकल्प पुराने जन्मों के कर्मों अनुसार बने हुए संस्कारों और स्वभावों को एक बाबा की याद की पवित्र अग्नि में भस्म कर दिया है। फील करें ऊपर शिव बाबा से प्राप्त होती शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के भीतर मन, बुद्धि और संस्कारों पर ये पवित्र किरणें
मुझे अंदर से सच्चा साफ बना रही है। मुझे पूर्ण रीति अपने ओरिजिनल श्रेष्ठ पवित्र स्वरूप में ला रही है। फील करें अपना सत्य स्वरूप। जिसमें झूठ का दैहिक आकर्षण हो, दैहिक प्राप्तियों का कोई भान नहीं, कोई अंश भी नहीं, एकदम दिल साफ हो गई है। न किसी से गिला, न कोई शिकवा। मैंने हर एक आत्मा को उनके वास्तविक स्वरूप से स्वीकार कर लिया है। अब बाह्य मायावी स्वरूप आत्माओं से कुछ भी कराए, पर मैं हर एक को उनके अनादि स्वरूप में देखती हूं और सुप्रीम रूह की डायरेक्शन से चारों ओर अपने अंतर की रूहानियत की गुणों की दिव्यता की खुशबू शुभ भावना शुभ कामना रहम की भावना के रूप में बिखेरती रहती हो। फील करते जाएं आंतरिक प्योरिटी, दिल की सच्चाई और सफाई। मुझे सर्व परमात्म प्राप्तियों से बाबा के प्यार, बाबा की अविनाशी संपत्ति से परिपूर्ण रखती है। फील करें जैसे मन की हर मुराद पूरी हो गई है। सब इच्छाएं सब कामनाएं खुद भोलानाथ भोले भंडारी ने मेरी पूरी कर दी है। सर्व प्राप्तियां बिन कहे स्वतः अब सामने आ जाती है। जिसे बाबा ने मुझे विनाशी
और अविनाशी सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बना दिया है। अनुभव करते जाए ये प्राप्ति स्वरूप स्थिति, ये बेहद की वृत्ति जो संपूर्ण वायुमंडल में रूहानी वाइब्रेशंस फैला रही है। और देह भान में लिप्त रूहों को सत पिता, सत ज्ञान, सत स्वरूप की ओर आकर्षित कर रही है ये रूहानी आकर्षण। ईश्वरीय सेवा को, सेवा केंद्र को चढ़ती कला की ओर ले जाता जा रहा है। अनुभव करते जाएं इस योगी तो आत्मा स्थिति को, ओम शांति।